जा रहे हैं टुवर्ड्स मुजफ़्फ़राबाद, इस्लामाबाद से मुजफ़्फ़राबाद जा रहे हैं थ्रू हज़ारा एक्सप्रेस, तो मोटर वे ना हज़ारा मोटर वे, क्योंकि पुराना रास्ता तो काफ़ी पुराना है, सुना वहाँ पे तो हालात भी नहीं सही, लैंडस्लाइड्स इस तरह के इश्यूज़ हैं, तो हम लोग जा रहे हैं मोटर वे के थ्रू गड़ी अभी बना वाले रास्ते से। तकरीबन तीन साढ़े तीन घंटे का ये रास्ता है, पहले भी ट्रेवल किया हुआ है, लेकिन अभी देखते हैं आज कितना टाइम लगता है, क्योंकि आज हम नॉन स्टॉप जाएँगे। हज़ारा मोटर वे ना इस तरह से काफ़ी प्यारी है, आगे पीछे ग्रीनरी भी बहुत ज़्यादा है और मोटरवे भी साफ़ सुथरी है, और जो थोड़ा सा पहाड़ों वाला टच आता है ना इसमें, वो ब्यूटी बहुत अच्छी लगती है। तो ये हज़ारा मोटरवे का जो यहाँ पे टर्न आता है ना, यहाँ से आपने चढ़ना है हज़ारा मोटरवे पे। इस तरह की जो है ना खंडरात नुमा चीज़ें आपको मिलेंगी हज़ारा मोटरवे पे, ये सारी की सारी जो है ना, और ये देखने में तो अच्छी लगती है क्योंकि थोड़ा माउंटेन टाइप चीज़ें हैं ना, ये सारी की सारी जो ट्रेन है ना हज़ारा मोटरवे पे, अब ऐसी ही है, थोड़ा सा पहाड़ आएंगे, थोड़ा इस तरह के टीले आएंगे। ये शुरू हुआ है एरिया थोड़ा सा एबटाबाद वाला, जो सामने पहाड़ी है ना, इसका जो व्यू है ना इवनिंग में, ये देखें ये प्यारा व्यू सामने आ रहा है, पूरा पहाड़ी सिलसिला आगे जाइए, ये आई थिंक हिंदूकश का है सारा ना, जो के पी नारायण का ग्रंथ तरबेला से जा रहा है। वैसे हज़ारा मोटरवे के ऊपर ट्रैवल करना चाहिए दिन के टाइम, ताकि आपको आगे पीछे की जो है ना सीन्स भी नज़र आएँ, क्योंकि इसमें कुछ टनल्स भी आती हैं, फिर बंदा पहाड़ पे चढ़ता है। एक्चुअल में देखने वाला यही है दिन के टाइम, रात के बाद की निशानी है सामने जो पहाड़ पे नहीं ग्लोरियस पीफर्स लिखा हुआ, ये जब आ गए दैट मीन्स आप समझें कि एबटाबाद स्टार्ट हो गया, मौसम जो है ना वो चेंज हो रहा, अपना मूड बदल रहा है। हज़ारा मोटरवे चढ़ने के तकरीबन 40-45 मिनट के बाद एबटाबाद का इंटरचेंज आ जाता है, तो वो फ़र्क नहीं रहा, क्योंकि पहले जब आप एबटाबाद आते थे ना तो जीटी रोड से आप वो एबटाबाद रोड पर 3 घंटे आपको लगते थे, अभी तक 45 मिनट्स में आप एग्जिट करें इंटरचेंज, और आप अब तो वो वहाँ से इसकी ना एक लिंक रोड जी ने बाईपास रोड भी बन गई है एबटाबाद से हवेलियाँ वाली, तो वो बहुत ईजी हो गया। आप तो अगर आपने नथियागिरी जाना है कहीं जाना है तो आप बहुत इजीली जो है ना 40-50 मिनट के अंदर एबटाबाद लैंड कर जाते हैं। अच्छा यहाँ स्पीड लिमिट कितनी है भाई? लेकिन ये तो 4 लेन है ना, इसके अंदर भी 110-120 ही है। अच्छा पहाड़ों में जाके ना थोड़ा नैरो हो जाती है रोड, लेकिन ये कि इस मोटरवे की खूबसूरती है कि ये ख़राब नहीं हुई है अभी तक। सामने में कहा कहीं बारिश वगैरह हो रही है, क्योंकि वो बादल जो है ना बड़े रोमांटिक टाइप के वो हमें सेक्सी से बादल, क्यों भाई? यार मेरे ख्याल से ना इस्लामाबाद लाहौर सब ऐसे शहर होने चाहिए, बादल आए बारिश हो रोमांटिक, तो पहाड़ जो है ना वो खूबसूरती डाल देते हैं एरिया में यार। अब मेरे ख्याल से बारिश हमें ना मिलेगी, बारिश हमें नहीं पहुंच तो जाएंगे, लेकिन बारिश जो है ना वो ये देखें जी बारिश आने वाली है। ले जी पहली टनल जो है ना एबटाबाद टनल 1 में हम पहुँचे हैं, और ये तकरीबन 1.25 किलोमीटर लंबी है, अभी कोई छोटी मोटी नहीं है। ये जब 1, 2, 3 और ये हम एंटर हो गए टनल के अंदर। एबटाबाद टनल भी जो है ना वो तकरीबन हम पहुंच गए हैं, लेकिन ये छोटी है, ये आई थिंक 372 मीटर इसकी लेंथ है, 372 मीटर की है, ये तो बहुत छोटी सी है। सर टनल्स का बहुत फ़ायदा हुआ है, टनल्स में खाल ये भी चाइनीज़ नहीं बनाई हैं, चाइनीज़ कंपनीज नहीं बनाई हैं, तो इनका ये हुआ है कि बहुत ईजी है। मेरे ख्याल से आगे भी ना नारायण वाले एरिया में भी काफ़ी टनल्स बन रही हैं, ये भी हरी भरी पहाड़ियाँ शुरू हो गई हैं एक्सप्रेस हज़ारा मोटरवे के ऊपर ना, मौसम बता रहे हैं बहुत भी बारिश आ गई, हरी भरी पहाड़ियाँ हैं और मेरे ख्याल से बादल काफ़ी ज़्यादा आ चुके हैं और बारिश भी है, मुझे नहीं पता क्या बात है। अभी देखें ये बादल ऐसा लग रहा है क़यामत आई है, ऊपर से फरिश्ते खड़े हुए हैं जी, बिल्कुल डेडली टाइप के नहीं, वो लॉर्ड ऑफ द रिंग्स में बादल आते हैं ऊपर से,
यहाँ बारिश है वहाँ नहीं है, वो बहुत ये बादल बरसेंगे अभी। ये कैट्स एंड डॉग्स वाली बारिश होना शुरू हो गई है। बारिश की वैसे थोड़ी बहुत ही फोरकास्ट थी इस टाइम ना, लेकिन ये है कि आगे जाके नहीं है फोरकास्ट, पैंटिक सीन हो चुका है अभी। तकरीबन जब आप हज़ारा मोटर पे चढ़ते हैं ना, उसके बाद तकरीबन एक घंटा 20 मिनट के बाद ना आप ये टोल प्लाजा है थाकोट का। वैसे थाकोट तो काफ़ी आगे है, लेकिन ये टोल प्लाजा आप एग्जिट करते हैं फिर सिंगल रोड शुरू होगी। और सिंगल रोड का ये है कि आप फिर वहाँ से तकरीबन अभी अब तकरीबन आई थिंक 4-5 किलोमीटर आ गए जहाँ से फिर हम राइट मोड़ेंगे टुवर्ड्स मुजफ्फराबाद। वो एक ही मोड़ है मुजफ्फराबाद का, और अगर आपने नारायण की तरफ जाना है गड़ी हबीबुल्ला वाला, वो न्यू बालाकोट सिटी उस एरिया में है। एक्चुअल में बालाकोट तो काफ़ी आगे है जो जलजले में जो इफ़ेक्ट हुआ था ना, लेकिन यहाँ पर उसके बाद न्यू बालाकोट सिटी बना था। ट्रक वाला काफ़ी स्लो जा रहा है, लेकिन ओवरटेक करना भी यहाँ पे जो ना वो इतना अच्छा नहीं है। पहाड़ी इलाके की तो एक जो SOP है वो ये है कि आप अपनी साइड ना छोड़ें। बस ये ऑलमोस्ट अब हम ना राइट टर्न करने वाले हैं टुवर्ड्स, हम वहाँ पे न्यू बालाकोट सिटी वाली रोड पे जाएंगे, तो वहाँ से मुजफ्फराबाद का रास्ता भी निकलता है और साथ में वो जो है ना नारायण कागान का भी। वो हमें एक्चुअल में मेन जो रोड है ना नारायण कागान रोड, उस पर निकालेगा। वो जो ओल्ड एबटाबाद रोड है ना, जो पराक्रम हाईवे एक्चुअल में, हमने जी शुगरान के पहाड़ कागान के पहाड़ नज़र आ रहे हैं। अब यहाँ से जो ना वो फील आना शुरू हो जाती है कि आप, क्योंकि जब आप पहाड़ी इलाकों में जा रहे होते हैं ना देन मज़ा आता है। बस मैंने छोटा सा वो शावर से थे बस हो गए हैं, ये तो चलता रहता है। अब जी आगे से हम बस आगे से भी राइट पे ना, अभी 500 मीटर के बाद ये बीबी बता रही है कि आपने राइट टर्न करना है। अब यहाँ से हम जो हज़ारा मोटर वे है उसको बस खुदा हाफिज़ कहेंगे। ये राइट 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 आहिस्ता 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 आहिस्ता, ये जहाँ से गाड़ियाँ आगे से निकल रही हैं ना, एक छोटी सी रोड है अभी यहाँ पे हमने एंटर होना है। नहीं नहीं इतना गंदा भी नहीं है, बस निकल जाए, बस बस आपने निकलना है। मैं वहाँ से गया कभी नहीं हूँ ना, मैं तो ये जो 6 किलोमीटर का पैच है ना, ये बस आपको 15-20 मिनट लगेंगे नॉर्मल तरीके से, आप गाड़ी चलाते हैं तो निकल जाएगा। ये मेरे ख्याल छोटे से गांव के अंदर से ये रोड गुजरता है, और रोड बस ये तो पत्थरों वाला, ये मेरे ख्याल अंडर कंस्ट्रक्शन ही है। ये क्रॉस कर लें फिर मुजफ्फराबाद तक, ठीक है रोड जी। ये रोड ना जितनी जल्दी हो सके बननी चाहिए। इस रोड के अंदर मसला ये है कि बस ये है तो छोटी 6 किलोमीटर, लेकिन गाड़ी चलती आहिस्ता ही। अच्छा ये भूल भुलैया सी है सीधा यहाँ से राइट, भूल भुलैया सा रास्ता है, लेकिन इसे मैप्स लगा लें तो बेहतर है। बस ऑलमोस्ट हम ये जो रोड है ना इसको फिनिश करने लगे हैं। अब हम निकलेंगे N15 के ऊपर के N5 पे, N15। अगर किसी को किसी ऐसे साहिब इक्तदार का पता है ना जिसका इस रोड से कोई ताल्लुक है इस एरिया से, तो उसे थोड़ा ना शर्म दिलाया कि भाई इस रोड को सही कर दो, यहाँ पर अभी सीज़न आ रहा है समर्स का, तो दुनिया जहान के लोग आएँगे। अच्छा ये गंदे गंदे स्पीड ब्रेकरों की मुझे समझ नहीं आती। ये भी आ गई वो N15, ये 5-6 किलोमीटर का पैस था, ये तो बस खत्म। राइट राइट, अब यहाँ से राइट मोड़ जाएं भी आप। ये जी ये न्यू बालाकोट सिटी की कुछ साइट थी आज से कोई आई थिंक 15-16 साल पहले, बल्कि उससे भी पहले। जी अब हम N15 पे आ गए। एक तो हज़ारा मोटर भी ख़त्म हो गई, उसके बाद जो न्यू बालाकोट सिटी वाली रोड थी ना 5-6 किलोमीटर की, उसे भी निकल के अब हम आए हैं जी प्रॉपर N15 के ऊपर। अब हम जा रहे हैं टुवर्ड्स गढ़ी हबीबुल्ला मुजफ्फराबाद। पहले गढ़ी हबीबुल्ला वाला गांव आएगा, उसके बाद मुजफ्फराबाद। अब ऑनवर्ड ये सारा सिंगल रोड ही है,
क्योंकि N15 शुरू में जब आप चढ़ते हैं हसन अब्दाल से, शायद वहाँ पे थोड़ी सी है, लेकिन उसके बाद सारी की सारी सिंगल है। हम जाएंगे इधर से, नहीं आगे से, आगे से। यहाँ ये आ गया बटरासी कॉलेज, आई थिंक स्काउट्स। हाँ ये है जी बटरासी, ये बड़ा मशहूर जमाना कॉलेज है, मेरे ख्याल से ये वही है ना बटरासी के। ऑलमोस्ट तीन घंटे का टाइम है, तीन साढ़े, अगर आप इस्लामाबाद से निकलते हैं तकरीबन 3.5 घंटे आपको लगेंगे यहाँ से ना मुजफ्फराबाद तक। गीदड़ 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 भाई, मैं मुझे पहचान है, गीदड़ है ये। तो यहाँ से राइट होना, ये गड़ी है, बीबुल्ला वाली रोड है। और अब हम मेरे ख्याल से अब ये ऑलमोस्ट कितने ये मेरे ख्याल से घड़ी अभी बोला आ गए हम कि अभी आने वाला है। थोड़ा बाजार बुजुर्ग आया बीच में, और अभी भी तकरीबन 19 किलोमीटर आया यहाँ से ना। यहाँ से बस कश्मीर शुरू हो रहा है, इन्होंने ये बताया है कि नीलम वैली, लिपा वैली, झेलम वैली, सिरीकोट, मुजफ्फराबाद, शहीद गली, लोहार गली और पतरिंद लेक वाटर स्पोर्ट्स साइड। ये मेरे शारदा के पास है, नहीं नहीं ये इधर पास ही आया, 6 किलोमीटर है। ये मेरा फाइनल पोजिशन है गड़ी अभी बुल्ला से टुवर्ड्स मुजफ्फराबाद, 9 किलोमीटर रह गया है। और अब ये भूल भुलैया गोलमोल रोड है, ये जो ऊपर चढ़ रहे हैं, ये है जी व्यू कहाँ का, मुजफ्फराबाद का। भाई दूर से हमें नज़र आ रहा है मुजफ्फराबाद, लेकिन अभी पास जाते हैं तो कोई आइडिया होता है किस तरह का। ये लैंड स्लाइडिंग हुई हुई है, आखिरी जो 6 किलोमीटर का पैच है ना, ये थोड़ा सा वो खराब है रोड, मुझे ये मैप्स पे नज़र आ रहा है 6 किलोमीटर, इस वजह से बोल रहा हूँ, देख लेते हैं। तो जी फाइनली हम पहुँच गए हैं मुजफ्फराबाद, और मुजफ्फराबाद अच्छा यहाँ से राइट दे रहा है अभी, क्यों नहीं नहीं सही दे रहा है, सही दे रहा, राइट ही होना है आपने, राइट हो जाओ। हाँ बस 3 किलोमीटर रह गए इधर से, 3 किलोमीटर रह गया और हम मुजफ्फराबाद पहुँचेंगे ना। अब यहाँ पे मेन चीज़ है कि हमने एक रूम तो बुक करवाया हुआ है इस मुजफ्फराबाद में भी और ऊपर पी चनासी में भी, लेकिन कहाँ जाएँ अब ये नहीं, देखते हैं। फाइनली मुजफ्फराबाद हम आ गए, इधर एक पाकिस्तान, इस्लामाबाद से 3.5 घंटे लगे हैं मुजफ्फराबाद आने में, और ये काफ़ी अच्छा टूर था, कोई इतना इशू नहीं है। अब ये ब्रिज आ गया, ले जी मुजफ्फराबाद की ऑफिशियल एंट्री है ये जब ब्रिज आया ना आपको पता लग गया था ये मुजफ्फराबाद में आ गए हम। अभी डिनर मेरे ख्याल से हम करते हैं नीलम व्यू होटल में ना, ये काफ़ी यहाँ का फेमस होटल है, अच्छा होटल है रहने के हिसाब से भी और खाने के हिसाब से भी। छोड़ दे अच्छा काफ़ी कंजस्टेड सा शहर है मेरे ख्याल से, है ना, ठीक ठाक रौनक है भाई और आबादी है और ठीक ठाक डेवलप्ड है और राहत बेकर्स भी है भी, क्या बात है। इसका मतलब है कि हम पाकिस्तान के अंदर ही हैं, KFC भी होगा, क्या बात है। ये लो भी, ये है मुजफ्फराबाद, ब्यूटीफुल मुजफ्फराबाद यार, क्या बात है यार, मज़ा आ गया। ओरिजिनल तहजीब, BM बैंक, MCB बैंक इस्लामी, बड़ा ये इंडिया वालों को बता दो ये हम, ये हमारा मुल्क है। यहाँ से निकलेंगे ब्रिज से, हम दोबारा उधर ही कनेक्ट करेंगे, वो जो ब्रिज है ना उससे हम एग्जिट करें तो वो होटल आ जाएगा जहाँ हमने लास्ट टाइम खाना खाया था, वो वही तो नहीं, 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 आपको मैं होटल दिखा दूँ, 5-star होटल है अभी नीलम व्यू, आपने बहुत खा सके, नहीं तो खा सके, नहीं तो क्या मतलब मुँह से खाना है और नहीं नहीं अच्छा होगा, टेंशन नहीं तो निकल आना यार देख के इसमें क्या, आप एक्सप्लोर तो करो, वही क्या बात है शेख तिका, क्या बात है। अच्छा ये मज़ा आ गया अभी मुजफ्फराबाद जैसे शहर में आके, जहाँ से उधर बालाकोट से आते हुए जो राइट ले लिया वो राइट ना लेते सीधा आ जाते हैं ना तो शायद नीलम व्यू के पास ही हम लैंड होते हैं यार, उसका नहीं पता ना कहाँ से, ये सामने है कोई, हाँ चल ना मैं बता रहा हूँ, आ गया वो नीलम व्यू एंट्रेंस, वो नीलम व्यू होटल। चलो अभी फाइनली जो हम आज डिनर करेंगे ना, ओ ये है जी नीलम व्यू होटल।